अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाए। वीरे दी वेडिंग में स्वरा भास्कर को उनके एक बोल्ड सीन की वजह से खूब ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि स्वरा ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए उनके कमेंट्स को पेड ट्रोल करार दिया। अब स्वरा की मां ईरा भास्कर ने भी इस सीन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ईरा ने स्वरा के सीन पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिल्मों में दिखाए जाने वाले इस तरह के सीन्स पर जरूर बात की। जानकारी के लिए बता दें, फिल्म वीरे दी वेडिंग में स्वरा भास्कर पर ऑर्गेजम सीन फिल्माया गया है, जिसमें एक ट्रेस को वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते दिखाया गया है। कुछ लोग जहां इस बोल्ड सीन के लिए स्वरा की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे चीप और वल्गर करार दिया है। जेएनयू में टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में पीएचडी कर चुकी और फिल्म इतिहासकार ईरा भास्कर ने एक वेबसाइट से स्वरा के बोल्ड सीन को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि सेक्सुअलिटी इंडियन सिनेमा का सब्जेक्ट नहीं है जिसे कि डायरेक्ट प्रेजेंट किया जा सके। अगर हम इंडियन सिनेमा के इतिहास की बात करें तो हमारा सिनेमा काफी अलग है। इसमें पिछले कई सालों से विकास हुआ है और इरोटिक सब्जेक्ट पर भी हमारा नजरिया बेहद साफ और मिला जुला है। उन्होंने कहा, सेक्सुअलिटी या वुमेन डिजायर को दिखाने के लिए गानों का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें गाने में भी सीधे तौर पर नहीं फिल्माया जा सकता है, फिर चाहे वो हिंदी फिल्में हों, तमिल फिल्में हों या बंगाली फिल्में। हालांकि काफी हद तक फिल्मों के गानों में इरोटिक और सेक्सुअलिटी इमोशंस को दर्शाया जाता रहा है। ईरा भास्कर ने फिल्म मुगल आजम के गाने का उदाहरण देते हुए कहा, ये फिल्म सीधे तौर पर लव मेकिंग या सेक्सुअल एक्ट को नहीं दिखाती है। ईरा ने यहाँ महेश भट्ट के मुगल आजम को दिए गए बयान की याद दिलाई, जिसमें महेश ने मुगल आजम के उस सीक्वेंस को हिंदी सिनेमा का सबसे इरोटिक सीक्वेंस बताया था, जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला के चेहरे पर हाथ फेरते हैं। ईरा ने महिलाओं के सेक्सुअली एक्टिव किरदारों को ट्रोल किए जाने को लेकर कहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह की फिल्मों में महिलाओं को वास्तविकता के साथ पेश किया गया है और इसे समाज को अपनाने में अभी वक्त लगेगा।